हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपका जिक्र कुरान शरीफ में 68 जगह आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परिस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और खुद उनकी पूजा करते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते और बुतों को खुदा समझते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे, वे देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी के बुतों को बनाते और फिर उनको खुदा समझने लगते। वे हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ हैं ये सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूछते हो, ये तुम्हें ना कोई नफा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वे जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। बच्चों, एक रोज उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। यह सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मेले में ना गए। उनके पीछे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वह उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे यह मालूम होता था कि यह सब उसी ने तोड़ा है। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की यह दुर्गति देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, तो बहुत गुस्सा हुए कि यह हरकत किसने की है। सबने शुबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि यह बुत किसने तोड़े हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वह खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि यह बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, यह काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। यह लोग बहुत नाराज हुए और उनके बाप आजर से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परिस्ती से मना किया और अर्ज किया कि ऐ बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल ना हो। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। फिर क्या हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आजर का बेटा इब्राहिम लोगों को बुतों की पूजा से मना कर रहा है और एक खुदा की दावत देता है, तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जला सकता हूँ। चुनांचे उसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, आजाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करा दिया और कहा कि अब बताओ मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फर्क है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज सूरज मशरिक से निकालता है और तुम उसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनांचे बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की गईं और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया, मगर वह आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। बच्चों, इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ से बचा लेते हैं और उनके लिए आसानियां ही आसानियां हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होता है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे।